नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। आपको बता दें कि बेशक अलीगढ़ की गिनती स्मार्ट सिटी में की जाती है, लेकिन हालात कुछ और ही बयान करते हैं। यहां के हालात ऐसे हैं कि अगर आप अपने घर से राजा बनकर निकले हों, लेकिन आपको गंदे पानी से ही होकर निकलना पड़ता है। यही कारण है कि आज यहाँ के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और प्रदर्शन करने लगे। लोगों का कहना है कि शहर में स्थित शाह जमाल में जल भराव की काफ़ी समस्याएं हैं, जिनको देखते हुए लोगों द्वारा बहुत बार आला अधिकारियों से इस बारे में अवगत कराया गया, लेकिन आज तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। राशिद, किस तरह की क्या समस्या है यहाँ? सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है। यहाँ पिछले दो साल से लगातार पानी भर रहा है। लोगों को यहाँ से निकलने में परेशानी होती है। बच्चे यहाँ पर गिर जाते हैं पानी में। और सबसे ज़्यादा परेशानी ये कि यहाँ मस्जिद है, मस्जिद की वजह से भी लोग नमाज़ पढ़ने नहीं जा पाते, क्योंकि पानी इतना भरा हुआ है। कैसे जाएंगे, कैसे पहुँचेंगे मस्जिद में? दूसरी बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम अपने देश को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और अलीगढ़ को तो वैसे भी स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया है। तो मैं बड़े अदब के साथ अपने देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, और ये सारी आवाम पूछना चाहती है कि क्या स्मार्ट सिटी इस तरह का होता है? लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए स्मार्ट सिटी बनाए जाते हैं, सफाई होती है? सफाई छोड़िए, जलभराव नियुक्त नहीं हो पा रहा है। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये सारे लोग बड़े हताश हैं। मोहम्मद इरशाद है। इरशाद, किस तरह का क्या परेशानी है लोगों को यहाँ? देखिए, गोंडा रोड क्षेत्र में रहमानी मस्जिद के सामने अब से नहीं काफ़ी दिनों से पानी भरा हुआ है, 2 साल से, और उसकी हालत ये हो गई है कि लोग यहाँ से चल नहीं पा रहे हैं और आवागमन बिल्कुल ठप हो गया है। और इससे तमाम गाँव जुड़े हुए हैं, तमाम गाँव के लोग और शहर के लोग भी, तो एक बहुत बड़ा बाजार भी है और नहीं जा पा रहे हैं। और तब के एक बड़ी मस्जिद भी है जो नमाज़ पढ़ने भी जाते हैं। ये तो एक स्मार्ट सिटी के नाम पर, अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी का नाम ना देते तो अच्छा था। स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ धोखा हो रहा है। ऐसा धोखा हो रहा है कि यहाँ की आवाम अपने आप को एक बहुत ठगा ठगा महसूस कर रही है। और देखिए, लगातार इसकी शिकायतें इन लोगों ने इतनी मेहनत करी, तमाम अधिकारियों तक, DM साहब से लेकर, नगर आयुक्त से लेकर, तमाम जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं और शासनिक अधिकारी हैं, सब लोगों से कहती, लेकिन इनकी समस्या का अभी तो समाधान नहीं हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से और काबिले अहतराम आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को अगर प्रशासनिक और शासनिक लोग इंसाफ नहीं दिला रहे, तो मीडिया के आप लोग तो इंसाफ दिलाइए। और इतनी हालात बुरी हो गई है कि गरीब बच्चे और स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, इससे ज़्यादा बुरी हालत क्या हो? आपसे गुजारिश है और अधिकारियों से हम गुजारिश करते हैं कि इसका समाधान जल्दी से जल्दी कराने की कृपा करें।